आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। देवी पुराण में है 51 शक्तिपीठ, तो तंत्र चूड़ामणी में बताए गए हैं 52 शक्तिपीठ। जानिए कैसे बने देवी माता के शक्तिपीठ, इन शक्तिपीठों की पूरी कहानी आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। जगत जननी माता दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में हर कोई जानता है और नवरात्रि में माँ के इन्हीं स्वरूपों की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में वैसे तो माता के मंदिर में रोज ही भक्त पहुँचते हैं, पर नवदुर्गा पूजन के समय माँ के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगता है और उनमें भी माँ के शक्तिपीठों का महत्व अलग ही माना जाता है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूली। पवित्र शक्ति पीठ पूरे भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थापित है। देवी पुराण में 51 शक्ति पीठों का वर्णन है, तो देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्ति पीठों का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणी में 52 शक्ति पीठ बताए गए हैं। देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्ति पीठ में से कुछ विदेश में भी स्थापित है। भारत में 42, पाकिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत में 1-1, बांग्लादेश में 4 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ है। अब जानिए शक्तिपीठ की पौराणिक कथा। माँ के 51 शक्तिपीठों की एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता दुर्गा ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ था। एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ आयोजित किए। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने भी एक यज्ञ का आयोजन किए। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए और जब नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया है, यह जानकर वे क्रोधित हो उठी। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती है। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी, तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी तो प्रभु ने स्वयं जाने से इनकार कर दिए। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर सती यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किए। इस पर दक्ष भगवान शंकर के बारे में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब यह पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गए। ब्रह्मांड में प्रलय व हाहाकार मच गए। शिव जी के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर सारे भूमंडल में घूमने लगे। भगवती सती ने शिवजी को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग अलग होकर गिरेंगे, वहां महाशक्तिपीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से माता के शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, उनके वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का उदय हो। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता के शक्तिपीठों का निर्माण हो। अगले जन्म में सती ने राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनरुपति रूप में प्राप्त किए। जानकार विद्वानों के अनुसार शास्त्र में इन बातों का उल्लेख है कि जहां सती देवी के शरीर के अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठ बन गई। ये अत्यंत पावन तीर्थ कहलाए। ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। जयंती देवी शक्ति पीठ भारत के मेघालय राज्य में नौटियांग नामक स्थान पर है।
अब जानिए तंत्र चूडामणि अनुसार क्या है कथा। पुराण ग्रंथों, तंत्र साहित्य एवं तंत्र चूडामणि में जिन 52 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, 52वां शक्तिपीठ अन्य ग्रंथों के आधार पर है। इन 52 शक्तिपीठों के अतिरिक्त अनेकानेक मंदिर देश विदेश में विद्यमान है। हिमाचल प्रदेश में नैना देवी का पीठ बिलासपुर भी विख्यात है। गुफा में प्रतिमा स्थित है। कहा जाता है कि यह भी शक्तिपीठ है और सती का एक नयन यहाँ गिरा। इसी प्रकार उत्तराखंड के पर्यटन स्थल मसूरी के पास सुरकंडा देवी का मंदिर धनौल्टी में है, यह भी शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि यहाँ पर सती का सिर धड़ से अलग होकर गिरा। माता सती के अंग भूमि पर गिरने का कारण भगवान श्री विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र से सती माता के समस्तांग विच्छेदित करना। ऐसी भी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकट एक अति प्राचीन शक्तिपीठ क्षेत्र में माता का शीश गिरा था, जिस कारण वहां देवी को दुर्गमासुर संहारिणी शाकंभरी कहा गया। यहां भैरव भूरादेव के नाम से प्रथम पूजा पाते हैं। यह शाकंभरी पीठ अत्यंत जागृत क्षेत्र है। अब जानते हैं माता के जागृत सिद्ध शक्ति पीठों के बारे में। माता का कोलकाता स्थित काली माता मंदिर, हिंगलाज भवानी, शाकंभरी देवी सहारनपुर, विंध्यवासिनी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश, चामुंडा देवी हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश, कामाख्या देवी असम, हरसिद्धि माता उज्जैन, छिन्नमस्तिका पीठ रजरप्पा, पद्माक्षी रेणुका पीठ श्रीबाग अलीबाग इसमें शामिल है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूलें। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।